मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यारे से दोस्तों, मैं गोविंद सर आपका दिल से स्वागत करता हूँ सामान्य धन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज जो है ना, आज दोस्तों है 27 मार्च, ठीक है ना। तो दैनिक जागरण में एक खबर आई है, उस खबर को सोचा आप तक पहुँचा दूँ। और अगर खबर की बात करें तो लिखा है कि विटामिन सी के सहारे वायरस को हराने की कोशिश, एक रिसर्च है, एक डॉक्टरों की रिपोर्ट है, वो आई है, तो वो सोचा कि आप तक पहुंचा दो। विटामिन सी के सारे वायरस को हराने की कोशिश की अगर हम बात करें दोस्तों, पढ़ते हैं। न्यूयॉर्क के अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों को डॉक्टर विटामिन सी जो है कि तगड़ी डोज दे रहे हैं। दरअसल शरीर का इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र दोस्तों जो होता है, वह मजबूत करने वाली विटामिन सी का चीन के डॉक्टरों ने भी कोरोना मरीजों के इलाज में खासा इस्तेमाल किया था, जिसके परिणाम अच्छे आए थे। प्यारे दोस्तों, बात इम्यून सिस्टम की कर रहे हैं तो मैं आपको अवगत करा दूं कि अगर इम्यून की बात करेंगे तो इम्यूनोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। और भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान दोस्तों, भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान दोस्तों कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, साथ साथ नोट करते जाइएगा, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन इसमें दे रहा हूं मैं। इसमें जो है, न्यूयॉर्क के नॉर्थ वेल हेल्थ अस्पताल के डॉक्टर एंड्रयू वेवर ने बताया है कि कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज शुरू होते ही 1500 mg विटामिन सी की शोध सिराओं के जरिए देते हैं, जो है डोज सिराओं के जरिए देते हैं। इसके बाद दिन में 3 से 4 बार विटामिन सी की खुराक शरीर में पहुंचाई जाती है। दरअसल विटामिन सी की अतिरिक्त खुराक देने का काम वुहान के झोंगनन अस्पताल के डॉक्टरों ने शुरू किया था, और डॉक्टरों ने पाया कि जिन मरीजों को अन्य दवाओं के साथ विटामिन सी की मात्रा दी गई थी, उनकी रिकवरी विटामिन सी ना लेने वालों की अपेक्षा काफी बेहतर रही। एक बार में 16 गुना खुराक की बात दोस्तों की जा रही है। और बात इसकी अगर हम करें तो चीन के डॉक्टरों ने इस अनुभव पर अमेरिकी डॉक्टर भी अमल कर रहे हैं। डॉक्टर वेवर ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि अमेरिका में एक वयस्क पुरुष को 90 और महिला को 75 मिलीग्राम रोजाना विटामिन सी की आवश्यकता दोस्तों होती है, लेकिन एक कोरोना मरीज को इस मात्रा की 16 गुना खुराक एक बार में दी जा रही है, जिससे जल्दी दोस्तों भरपाई पूरी हो सके। बात कर रहे हैं मरीजों की, तो वेवर ने बताया है प्यारे से दोस्तों कि जो है मरीजों को विटामिन सी के साथ मलेरिया की दवा माने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन दी जा रही है। दोस्तों ये थोड़ा नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आगे आने वाले समय में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा उनको जो है खून को पतला करने वाली दवाएं भी दी जा रही हैं। डॉक्टर वेवर के अनुसार प्यारे से दोस्तों, कोरोना संक्रमण का जब ज्यादा प्रकोप होता है तो शरीर में सेप्सिस बन जाता है, और यह शरीर में विटामिन सी की एकदम से कमी कर देता है, ठीक है ना। सेप्सिस बन जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत क्षीण हो जाती है, और दुरुस्त होने के लिए विटामिन सी की भरपूर मात्रा मरीज को दी जाती है। प्यारे दोस्तों ये वाली बात थी। और एक चिंताजनक स्थिति है दोस्तों, न्यूयॉर्क में जो है 25,000 से ज्यादा मामले हैं इस समय। नॉर्थ वेल हेल्थ समूह के प्रवक्ता जेसन मैरिनेट ने बताया है कोरोना मरीजों के इलाज में विटामिन सी का इस्तेमाल हो रहा है। इस समूह के राज्य भर में 23 बड़े अस्पताल संचालित हैं, और इसमें 700 से अधिक जो है कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कितनों को अन्य दवाओं के साथ विटामिन सी भी दी जा रही है। इस समय न्यूयॉर्क के कोरोना के जो है 25,665 मामले हैं। अमेरिका की US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार वुहान के झोंगनन अस्पताल में 14 फरवरी से विटामिन सी के ट्रायल चल रहे हैं, और इस बारे में सितंबर तक की ट्रायल के बाबत पूरी रिपोर्ट मिल पाएगी। प्यारे दोस्तों इस प्रकार से एडिटोरियल था, ये एक इन्फॉर्मेशन था, संपादकीय तो नहीं था, एक इन्फॉर्मेशन उसमें छपी थी खबर, सोचा आप तक पहुंचा दूं। और प्यारे से भैया लोगों, मैंने आप लोगों की बनाई है एक वेबसाइट, ठीक है ना, नाम है utkarshvision.blogspot.com। पे आप गूगल पे टाइप करेंगे तो यहाँ से आपको सामान्य धन की ढेर सारी चीजें मिल जाएंगी। और दोस्तों मैंने आपके सामान्य धन को आसान बनाने के लिए पता है क्या किया है, उत्कर्ष विजन नाम का फेसबुक पेज बनाया है, जिसमें कई सारे वीडियो और लिंक मैं शेयर करता रहता हूँ, जिससे कि सामान्य धन बेहतर बन जाए। और हाँ भैया एक बात और बता दूं, विटामिन सी की बार बार चर्चा हुई है,
तो आपको भैया पता होगा विटामिन सी का जो नाम है वो क्या है, भैया एस्कार्बिक एसिड है, जो रासायनिक नाम है वो एस्कार्बिक एसिड है। ये विटामिन सी की हमने बात बताई, और साथ ही साथ बता दें ये खट्टे फलों में पाई जाती है। कौन से खट्टे फलों में दोस्तों ये पाई जाती है, और बात खट्टे फलों की करें तो जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है, टमाटर है, हरी मिर्च है ना, हरी सब्जियों में भी दोस्तों ये विटामिन जो है पाई जाती है। ये जरूरी जानकारी आपको मैं देना चाह रहा था। और भैया जी सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये जो जल में घुलनशील विटामिन आप लोग काफी पढ़ते रहते हैं प्यारे से दोस्तों, जो जल में घुलनशील विटामिन होती है उसमें बी और सी शामिल है, विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन दोस्तों होती है। और अगर हम वसा की बात करेंगे प्यारे से दोस्तों, अगर हम वसा की बात करेंगे तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होती है वो आपकी है एडिक, माने ए, आपका डी और आपका ई और के, ठीक है ना। ये चार विटामिन जो होती हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। और दोस्तों बात जब वायरस की आ गई है तो वायरस का भैया ध्यान रखिएगा, वायरोलॉजी BIROLOGY दोस्तों, वायरोलॉजी में विषाणु विज्ञान, विषाणु का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो भैया बात वायरस की हो रही है तो वायरस क्या है भैया, सजीव, ठीक है ना, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है वायरस, आप लोग सामान्य अध्ययन में पढ़ते रहते हैं। और चलते चलते आपको एक जानकारी शेयर कर दूं कि भैया जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, नेशनल माने राष्ट्रीय संस्थान, विषाणु माने राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पड़ता है भैया जी, पड़ता है पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। और इस संस्थान की स्थापना भैया जी कब हुई थी, 1952 में हुई थी। तो प्यारे दोस्तों मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी कोशिश है कि आप सरकारी सिस्टम के अंग बने। और भैया ध्यान रखें कोरोना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, और बात कोरोना की करें तो सोशल डिस्टेंसिंग माने दूरी बनाए रखें, किसी से बातचीत दूर दूर से ही करें, घर से बाहर ना निकलें, और लॉकडाउन का सम्मान करें, क्योंकि लॉकडाउन ही प्यारे दोस्तों इस समय हमारी बीमारी का इलाज या हमारी जिंदगी को बचा सकता है। मित्र नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यारे से दोस्तों आज जो है 27 मार्च है दोस्तों, आज है 27 मार्च, सोचा कि एक इंफॉर्मेशन थी महत्वपूर्ण वो आप तक पहुंचा दूं। तो दोस्तों दैनिक जागरण समाचार पत्र में खबर आई है, वो है एक सावधानी बरतने के लिए COVID-19 से लड़ने के लिए। तो देखते हैं क्या है खबर है, कुछ भी छूने के बाद साबुन से दोस्तों हाथ जरूर धोएं, ये बात आपको हर जगह सुनाई पड़ रही है, निवेदन करूंगा कि पालन जरूर करें। रोहतक हेल्थ यूनिवर्सिटी के कुलपति जी ने अपील करी है दोस्तों, लॉकडाउन ना तोड़ें, घर में ही रहें, सेफ रहें। दोस्तों कोरोना वायरस का संक्रमण जिस तरह से तेजी से फैल रहा है उसमें सावधानी ही एकमात्र सबसे बड़ा उपाय है। हरियाणा में रोहतक स्थित पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के जो कुलपति जी हैं डॉक्टर ओपी कालरा जी कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग दोस्तों बहुत बड़ी बात है। सोशल डिस्टेंसिंग माने बाहर नहीं निकलना और ज्यादा किसी से बात नहीं करना, 1 मीटर की दूरी बनाए रखना, सोशल समाज से डिस्कनेक्ट होना, है ना, ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है। और इससे बचाव का रास्ता है, सोशल डिस्टेंसिंग ही इससे बचाव का रास्ता है, लेकिन इसके साथ अन्य सावधानियां भी जरूरी है। लॉकडाउन का तो हर हाल में पालन किया जाना चाहिए दोस्तों। वो सावधानी के लिए बात कर रहे हैं, फल सब्जियों को गर्म पानी से धोएं, फलों सब्जियों को वैसे तो बगैर धोए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन कोरोना के खतरे से बचाव के लिए इसे गर्म पानी से धोया जाए तो बेहतर है। साबुन से धोएं हाथ, कुछ भी छूने के बाद हाथ को जरूर धोएं। हालांकि इसके लिए बहुत सारे उपाय बताए जा रहे हैं, लेकिन साबुन पर्याप्त है, प्रभावी है दोस्तों। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि जो है सैनिटाइजर की बात बार बार हो रही है, लेकिन अगर सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से काम चलेगा अच्छे तरीके से। जहाँ तक कि बाजार से सब्जी आदि खरीदने के बाद भी हाथ जरूर धोएं, ये विशेष बात है। वायरस की चैन ना बनने दें, कुछ भी नहीं करें जिससे कोरोना वायरस की चैन बने, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, किसी भी हालत में घर से ना निकलें, लॉकआउट का हर हाल में पालन करें दोस्तों, ये वाली बात कह रहे हैं ओपी कालरा जी। और दस्ताने भी पहने, ग्लव्स की बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, कोई जरूरी चीज लेने निकले तो मास्क के साथ दस्ताने जरूर पहने, फल और सब्जी की खरीदारी करने भी दस्ताने पहनकर जाएं, घर आने पर डिटर्जेंट पाउडर से धुल लें, ये जरूरी बात है। नाक मुंह पर हाथ ना लगाएं प्यारे दोस्तों, सीधे नाक मुंह पर हाथ लगाने से बचें, ध्यान रहे कि कोरोना वायरस का संक्रमण नाक मुंह को छूने से
ज्यादा होता है। प्यारे दोस्तों, इसी एडिटोरियल में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, मैंने आप लोगों के लिए वेबसाइट बनाई है और उस वेबसाइट का नाम है utkarshvision.blogspot.com spot.com ये दोस्तों वेबसाइट है। गूगल पे आप टैप करेंगे utkarshvision.blogspot.com, इसको टाइप करेंगे दोस्तों, सामान्य धन की ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी और उससे आपका सामान्य धन बेहतर होगा। तो दोस्तों बात कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग आ चुके थे, तो डॉक्टर से सलाह लें, अगर कोई भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है और संबंधित चिकित्सक से फोन पर परामर्श जरूर करें और अपने स्तर पर किसी दवा का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों एडवाइजरी जरूरी है और डॉक्टर से मिलेंगे तो ज्यादा बेहतर है। हेल्दी फूड खाएं, इस दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखें, हेल्दी फूड खाएं, स्वस्थ रहें, माने जो है स्वस्थ भोजन जो है ताजा भोजन करें, ठीक है ना, जिससे क्या है कि आप बेहतर महसूस करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये आज का एडिटोरियल जो है एक इन्फॉर्मेशन थी आप तक पहुंचाने के लिए, सावधानी के लिए। दोस्तों इसको जरूर शेयर करिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे जिससे और लोग भी लाभान्वित हो सके और COVID-19 की लड़ाई में भारत विजयी होगा। निश्चित रूप से भारत सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बहुत सारी जो है बातें कही गई हैं और वह काफी एक्टिव हैं, बराबर जो है लाइव आकर के पूरे देश के नागरिकों को संबोधित कर रहे हैं। तो हम लोगों को मिलकर के देश के साथ होना चाहिए, प्रधानमंत्री के साथ होना चाहिए, अपने साथ होना चाहिए। दोस्तों बहुत जरूरी बात आ गई है, अब होड़ जो है जिंदा रहने की है। जिंदा रहे दोस्तों, हम सेफ सुरक्षित रहे तो आगे चल के हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, साथ ही साथ आपको अवगत करा दूं कि मैंने आपके लिए बनाया है एक फेसबुक पेज बनाया है और जिसका नाम है उत्कर्ष विजन। दोस्तों उसका नाम है उत्कर्ष विजन की मैं बात कर रहा हूँ, और उत्कर्ष विजन की दोस्तों अगर हम बात करें, फेसबुक पेज है, बहुत ही जो है सामान्य अध्ययन के मैं कई सारे पोस्ट वीडियो डालता रहता हूँ, आपका सिलेक्शन हो यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। प्यारे से दोस्तों, आपको अवगत कराना है कि ये जो है एक ऑडिटोरियल में आपके लिए लेके आया हूँ, एक इन्फॉर्मेशन आई थी इसमें दैनिक जागरण समाचार पत्र में और ग्रीनलैंड से रिगार्डिंग है, थोड़ा आप तक पहुंचा दूं। तो देखते हैं क्या दिया है आज के इस न्यूज में। दोस्तों ग्रीनलैंड में पिघल चुकी है 60,000 टन बर्फ। प्यारे दोस्तों, जहां पूरा विश्व COVID-19 से लड़ रहा है, कोरोना वायरस से लड़ रहा है, वहां पर इस प्रकार की खबर आना कि ग्रीनलैंड में पिघल चुकी है 60,000 टन बर्फ, तो काफी चिंताजनक स्थिति है। देख लेते हैं, लिखा भी है चिंताजनक, पिछले साल की गर्मियों का उत्तरी ध्रुव पर पड़ा सबसे ज्यादा असर। देखते हैं दोस्तों क्या हुआ है। ये दिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों बात जलवायु परिवर्तन की कर रहे हैं तो हम इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और बात ग्लोबल वार्मिंग की करेंगे तो भूमंडलीय तापन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया इसके खतरे को लेकर आशंकित है। हाल ही में हुए एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने ग्रीनलैंड में एक बर्फ की बदलती स्थिति पर चिंता जताई है। दोस्तों ग्रीनलैंड आ चुका है, ठीक है ना। तो ग्रीनलैंड के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, ये जो है ना, मैं आपको चित्र के माध्यम से बता दूं, ये तो है उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ना, यहाँ पर जो है ग्रीनलैंड की स्थिति है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति कहाँ पर है, तो प्यारे दोस्तों वो है नॉर्थ अमेरिका, है ना, नॉर्थ अमेरिका माने उत्तरी अमेरिका। लेकिन इस पे जो प्रशासनिक क्षेत्र है, जो अधिकार है, वह क्या, यूरोप के देश डेनमार्क का है। किसका है दोस्तों, डेनमार्क की बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसमें बताया गया है कि बीते साल गर्मी के मौसम में ग्रीनलैंड में 600 बिलियन यानी 60,000 टन बर्फ पिघल कर समुद्र में समा गई है। ओहो दोस्तों बहुत बड़ी बात है, अगर बर्फ पिघलेगी तो निश्चित रूप से बहुत समस्या आने वाली है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि केवल 2 महीने में ही यह बर्फ का इस जल का समुद्र का स्तर है 2.2 मिलीमीटर बढ़ चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की अगर हम बात करें, वैज्ञानिकों ने, इस अध्ययन की प्रमुख लेखिका इसाबेल बैली कोगना ने कहा है कि हम जानते हैं कि पिछले साल यह अन्य वर्षों के मुकाबले काफी गर्मी थी, जिसका सबसे ज्यादा असर ग्रीनलैंड की बर्फ की चादरों में चादर और पड़ा और वे पिघल गई, ठीक है ना। उन्होंने कहा है कि ग्रीनलैंड में साल 2002 में साल 2018 के बीच है औसत जितनी बर्फ पिघली है उससे कहीं ज्यादा बर्फ केवल पिछले वर्ष ही पिघली है। दोस्तों निश्चित रूप से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तो गर्मी के कारण कहीं ना कहीं जो जमी बर्फ है वो पिघल रही है, पिघल चुकी है 4,550 बिलियन टन बर्फ। ओहो, इसाबेल ने बताया है दोस्तों 2002 से लेकर के 2019 तक ग्रीनलैंड में 4,550 बिलियन टन बर्फ पिघल चुकी है। यदि इसका औसत देखा जाए
तो दोस्तों हर वर्ष लगभग 268 बिलियन टन बर्फ पिघली है। इसके खतरे का अंदाजा इसी बात से दोस्तों लगाया जा सकता है कि अमेरिका के लॉस एंजल्स में जितने पानी का उपयोग करता है उससे कई गुना ज्यादा बर्फ ग्रीनलैंड से पिघलकर समुद्र में समा गई। बहुत चिंताजनक स्थिति है दोस्तों, हम सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा, ना केवल पर्यावरण संरक्षण। और पर्यावरण संरक्षण की अगर हम बात करें तो प्लांटेशन जरूरी है। इससे ना केवल ग्रीनलैंड बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इसका सबसे ज्यादा असर हमारे पारिस्थितिक तंत्र दोस्तों इकोसिस्टम पे पड़ेगा, ठीक है ना। जियो फिजिकल रिसर्च नामक जर्नल एक पत्रिका है में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि 2019 में ही ग्रीनलैंड के विपरीत दक्षिणी ध्रुव में स्थित अंटार्कटिका के अमंडसेन सागर और अंटार्कटिक प्रायद्वीप में भी बड़े पैमाने पर बर्फ पिघली है। दोस्तों यहाँ अगर मैं चित्र के माध्यम से आपको बता दूं, ये इस प्रकार से ग्लोब है, ये है आपकी भूमध्य रेखा, ये है आपकी कर्क रेखा और ये है आपकी मकर रेखा। तो दोस्तों ये वाला एरिया हो गया, इसको हम लोग कहते हैं पता क्या, इसको हम नॉर्थ पोल के रूप में जानते हैं, और ये नॉर्थ पोल है और ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका साउथ पोल, ठीक है। तो बात यहाँ की हो रही है, अंटार्कटिका वाला क्षेत्र यहाँ पर है साउथ पोल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों, लेकिन महाद्वीप के पूर्वी हिस्से क्वीन माउड लैंड में बर्फबारी बढ़ने से यहाँ कुछ राहत जरूर देखी गई है। समुद्र में समा जाएंगे छोटे द्वीप, ठीक है ना। इसाबेल ने कहा है कि अंटार्कटिका में भी बर्फ पिघल रही है लेकिन उत्तरी ध्रुव में स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। अगर ग्रीनलैंड की बात करें, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में इसी गति से बर्फ पिघलती रही तो दुनिया पर खतरा लगातार बढ़ता जाएगा। इसमें कई द्वीपीय देशों के अस्तित्व संकट मंडराने लगा है। दोस्तों आपको पता होगा इस बात में मालदीव ने चिंता व्यक्त करी है, क्योंकि मालदीव, अगर भारत की बात करें, यहाँ पर मालदीव है और यहाँ के आसपास जो है इंडोनेशिया है, क्योंकि इंडोनेशिया ने तो अपनी राजधानी जकार्ता के स्थान पर क्या कर दिया है, काली मंथन कर दिया है। तो बड़ी ही चिंताजनक स्थिति है, निश्चित रूप से राजधानियां बदल रही हैं, क्योंकि ये मान के चलो समुद्री क्षेत्र है, जब यहाँ पे जल स्तर बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा जो विनाश है वो सबसे पहले तटीय क्षेत्र में या द्वीपीय देश में देखने को मिलेगा। तो इस समय हमें सचेत रहने की दोस्तों जरूरत है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने आशंका जताई है कि यदि बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले कुछ दशकों में कई देश समुद्र में समा जाएंगे। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है ना, अलर्ट रहना है और बर्फ को पिघलने से रोकना है। इसका मतलब है कि हमें तापमान को बढ़ने से रोकने में प्रयास करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे है, रहने वाले लोगों प्रवासियों के जीवन जीना पड़ेगा और उनकी मौत भी हो सकती है। कुल मिलाकर मौसम का बदलता प्रवृत्ति पूरे मानव इतिहास को बदल सकती है, ये एक चिंताजनक स्थिति आई है। यहाँ की अगर हम बात करेंगे, इस अध्ययन में इसाबेल ने जो कहा है दोस्तों, ग्रेस एफओ के डाटा का इस्तेमाल किया गया है। इस अध्ययन के लिए उन्होंने जो है अमेरिका और जर्मनी में संयुक्त अंतरिक्ष अभियान ग्रेस एफओ के डाटा का उपयोग किया है। डाटा का विश्लेषण करने पर यह बात सामने आई है कि अंटार्कटिक के पश्चिम में बड़े पैमाने पर बर्फ को नुकसान पहुंचाया है लेकिन पूर्वी क्षेत्र कुछ राहत भी देता है। ग्रेस एफओ यानी ग्रेस फॉलो ऑन के जरिए जल भंडारों की निगरानी की जाती है दोस्तों, और इस मिशन के तहत पहला यान 2002 में जो है अंतरिक्ष में तैनात किया गया था और इससे प्राप्त डाटा ही अब तक विश्लेषण का एकमात्र विकल्प और सहारा बनता है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से ग्रीनलैंड का एक जो ये इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप तक आज 27 मार्च है देने का प्रयास किया है। दोस्तों एक बात बताऊं, मेरा प्रयास कैसा लगा वो जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। मैं ढेर सारी लाइव क्लास लेके आता रहता हूँ और जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कई सारे वीडियो मैंने डाल रखे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। और चलते चलते दोस्तों, चलते चलते मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए एक वेबसाइट बनाई है और उस वेबसाइट का नाम है उत्कर्ष विजन, ठीक है ना, .blogspot.com। दोस्तों इस प्रकार से वेबसाइट बनाई है, आप प्लीज विजिट करिएगा और निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ सामान्य अध्ययन को आसान बनाने की दिशा में आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों आपको बता दें, उत्कर्ष विजन नाम का मैंने एक फेसबुक पेज बनाया है, ठीक है ना, उत्कर्ष अलग है, विजन अलग है। अगर आप फेसबुक पे टाइप करेंगे तो आपको वहां पे एक जो है वो मिल जाएगा, पेज मिल जाएगा, और उसको प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। और आप जब दोस्तों फॉलो करेंगे तो आपको ढेर सारा सामान्य अध्ययन की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहेगी।